हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप। वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ जे एडवांस क्लासिक्स। आज हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि जब कंडक्टेंस का क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली देख के डेटा को वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ब्लैंक हो जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस, कैसे अटैक करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको कंडक्टेंस ऑफ इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एक पार्ट है वीक मोनोबेसिक एसिड का ना, जैसे ही ये देता है इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं भी ये आपका आयनिक में जानने वाला क्वेश्चन, ठीक है, और वहां पर आपको अल्फा या जो पूछेगा। खैर अभी हम लोग देखते हैं आगे। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स भी दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, एंड वी नीड टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। ओके, ये पूछा। अब देखो हमारा अप्रोच कैसा होगा। देखिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कैसे हम लोग चीजों को रेट्रोस्पेक्ट करेंगे, पीछे से कैसे सोचेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है डेटा उसका रेलेवेंस है या नहीं है उसको चेक करने के लिए बेस्ट तरीका ये है, जो आपसे पूछा है आप उसको एनालिसिस कीजिए कैसे वो आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे होगा। देखिए सबसे पहला चीज जो आपको देखना है वो ये है, यहां पर आपसे पूछा हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों लोग आपको दो ही चीज इसमें ध्यान देना है, देयर आर टू मेथड्स जो आपको जनरली यूज करना है। एक तो अगर इंडिविजुअल आयंस का आएगा, फॉर एग्जांपल यहां मेरा HA एक वीक एसिड है, तो आपको या तो ये दे दे H+ का दे दे कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड ए माइनस जो कॉन्जुगेट बेस है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयन दे दे, तो आप निकाल सकते हो, जो कि यहां पे केस नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या सोचोगे, ये तरीका तो नहीं होल्ड कर रहा है। तब आप सोचोगे ओके, सो यहां मुझे निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड, विच इज गिवन एज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके, तो आप क्लियर हो रहा है कि यार ये चीज मुझे चाहिए। अब इसको लाने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक अल्फा है और एक हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है ना। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, वी हैव टू यूज दिस थिंग। आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है 1000 इंटू कापा बाई कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन तो है, कापा नहीं है, और इसको निकालने का तरीका क्या होगा, डेटा वाइज कापा इज गिवन एज जी इंटू जी स्टार, वेयर जी इज कंडक्टेंस, हम लोग उसको जी बोलेंगे कंडक्टेंस जो दिया हुआ है, एंड जी स्टार को हम लोग बोलेंगे सेल कॉन्स्टेंट, वो भी दिया हुआ है। ओके, तो मेरे पास एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है कि मुझे ये दो डेटा दिया हुआ है तो मुझे ये निकल जाएगा, ये निकल गया, ये दिया हुआ है तो मुझे ये निकल जाएगा। अब मेरे को ये निकालना है, कोई और डेटा नहीं है, तो हमें इक्वेशन की तरफ जाना होगा। सपोज मेरा इक्वेशन है HA और वो टूट रहा है H प्लस प्लस ए माइनस में। नाउ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग KA, इसे कुछ दिया नहीं, तो हमें कुछ और देना चाहिए। नाउ वी नो दैट अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है, आई कैन राइट सी वन माइनस अल्फा इक्वल टू सी अल्फा और ये सी अल्फा। नाउ इसने क्या किया, यही वैल्यू को दे दिया है। सिंस इंफॉर्मेशन पीएच इज नोन, मान ये 4 है तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी अल्फा दैट इज इक्वल टू 10^-4, तो आपको अल्फा यहां से मिल जाएगा बिकॉज ये आपको दिया हुआ। क्लियर,
एकदम क्लियर हो गया कि हम लोगों ने बैक ट्रेसिंग से रेट्रोस्पेक्ट करके हमारे पास क्या क्या निकालना है वो फटाफट हमने देख लिया। तो पहले हमें कापा निकालना होगा, फिर हम लोग को कापा से हमें ये मिल जाएगा और यहां से अल्फा का रख के हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं, यहां पे भी सी अल्फा आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आई कैन राइट दिस थिंग एज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय सी, इसका मतलब रखते हैं हम लोग देखिए 1000, सॉरी यहां पे हो जाएगा अल्फा, अल्फा है यहां पे हो जाएगा 1000 कापा बाय सी टाइम्स अल्फा हो जाएगा। ओके और ये वाला वैल्यू कापा कैसे आएगा, 1000 बाय सी अल्फा इंटू कापा कैसे आएगा, जी इंटू जी स्टार। यूनिट का ध्यान रखिएगा, 1000 तभी लगाते हैं जब आप यहां पर हमारा मोल्स पर लीटर हो, ठीक है। आप वैल्यू रखिए फटाफट, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी पहले, अभी आप सॉल्व कीजिए फटाफट। 1000 अपॉन सी अल्फा का वैल्यू है 10^-4 इंटू, अगर हम लोग देखें जी कितना है, जी इज कंडक्टेंस विच इज 5×10^-7 सीमेंस इंटू जी स्टार, जी स्टार क्या होता है एल बाई ए, एल कितना है 120 और ये आएगा सेंटीमीटर बाय 1 cm². तो आपका यूनिट किस फॉर्म में आ रहा होगा, सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, वो तो आ गया। अब यहां पर आपका ये यूनिट सफिशियंट है, ओके। तो अगर सीमेन पर सेंटीमीटर है तो 1000 लगाना चाहिए, आपको आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, सो दिस इज 10^7, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 5×10^-7 इंटू 120 में यहां कर रहा हूं और ये ऊपर ले जाओगे 10^7 कैंसिल, 600 ना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अगर आंसर पुट करना तो आप 600 कर दोगे, नहीं ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है सिर्फ ये z, अगर आप 600 करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए प्लीज बी अवेयर कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो यहां पर आपका हो जाएगा z इंटू 100 दैट इज 10^2 इक्वल टू 600, सो z का वैल्यू आएगा 6, दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे हम लोगों ने ये चीज निकाला है, मुझे दिया क्या गया है और मुझे निकालना क्या, उसमें कोरिलेशन किया यूजिंग रिट्रोस्पेक्शन। बच्चे लोग अगर आप इस तरह से करते हो तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि एग्जामिनेशन में आप ब्लैंक नहीं होगे, ओके। तो आप बहुत प्रीशियस 20-30 सेकेंड 40 सेकेंड आप बहुत आराम से बचा सकते हो, जो कि बहुत मायने रखता है केमिस्ट्री में, जितना बचा हुआ टाइम रहेगा दैट कैन बी यूटिलाइज इन सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।